आपकी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति अवस्थी। तो देश की हवा बेहद खराब है। एसोचैम ने दिल्ली एनसीआर में पिछले एक हफ्ते तक सर्वे कराया। नतीजे वाकई डराने वाले हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 5 से 10% कर्मचारियों ने सांस और दूसरी तकलीफों की शिकायत की है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको प्रदूषण के राक्षस से बचने के कारगर उपाय बताएं। हम वो घरेलू नुस्खे आपको जरूर बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि आपके घर में रखी साइकिल दिल की डॉक्टर है। ये बात एक रिसर्च से सामने आई है। हर रोज 20 मिनट साइकिल चलाने से दिल की बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे ज्यादा साइकिल फ्रेंडली शहर माना जाता है और वहां साइकिलिंग के फायदे जानने के लिए एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च के दौरान साइकिलिंग करने वाले 5000 लोगों की 14 साल तक की मॉनिटरिंग की गई। रिसर्च खत्म होने के बाद पता लगा कि रोजाना साइकिल चलाने वाले लोगों में हार्ट अटैक से मौत का खतरा बहुत कम हो गया। तो हम आपको दिखा रहे हैं वो आंकड़े जो अपने आप पूरी कहानी बयां करते हैं। आपको ये बताना भी जरूरी है कि दुनिया में होने वाली 30% मौत के लिए दिल से जुड़ी बीमारियां ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। WHO का सुझाव भी आपको बताते हैं। WHO का कहना है कि 18 साल से 64 साल तक के हर व्यक्ति को दिन भर में 150 मिनट तक शारीरिक गतिविधियों में शामिल रहना चाहिए और वर्कआउट जरूर करना चाहिए। लेकिन साइकिल का फायदा यह है कि सिर्फ 20 मिनट की साइकिलिंग से ही आपको 150 मिनट तक किए जाने वाले शारीरिक व्यायाम का फायदा मिल जाता है। साइकिलिंग से न सिर्फ दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है, बल्कि इससे कैलोरीज बर्न होने में भी मदद मिलती है और वजन भी नियंत्रण में रहता है, जो कि बेहद जरूरी है। साइकिलिंग करने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो तमाम फायदे हैं, शुरू कर दीजिए साइकिलिंग करना। 50-55 की उम्र पर साइकिलिंग करते हैं तो आपके आने वाले 20 साल के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस आपके ऑलमोस्ट 1/3 रह जाते हैं, 30% घट जाते हैं अगर आप रेगुलरली साइकिलिंग करें। साइकिलिंग जो है वो माइल्ड से ऊपर मॉडरेट कैटेगरी में आती है, मॉडरेट टू ब्रिस्क कैटेगरी में एक्सरसाइज होती है। और हमारे एक्सरसाइज का जो शेड्यूल है उसको हमको 1/3 और 2/3 में डिवाइड करना है। 2/3 माइल्ड एक्टिविटी, दैट इज अ ब्रिस्क वॉक, एंड 1/3 लिटिल स्ट्रेनुअस एक्टिविटी जिसमें जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। तो साइकिलिंग के इतने सारे फायदे जानने के बाद आपके मन में भी आ रहा होगा कि आप भी आज से ही साइकिलिंग शुरू कर दें। लेकिन इसी विचार के साथ आपके मन में एक डर भी पैदा हुआ होगा और वो डर जाहिर तौर पर प्रदूषण का है और दुर्घटनाओं का है, क्योंकि भारत में सुबह और शाम के वक्त साइकिलिंग का मतलब है भारी प्रदूषण से दो चार होना और तेज रफ्तार ट्रैफिक से बचकर खुद को निकालना। तो हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़े आपके सामने हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने सभी देशों से अपील की है कि वो अपने ट्रांसपोर्ट बजट का 20% साइकिल ट्रैक्स और पैदल चलने वालों के रास्तों के लिए सुरक्षित रखें। 20% साइकिलिंग ट्रैक्स बनाइए ताकि लोग साइकिलिंग ट्रैक पर चल पाएं। जी हाँ, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया में जितना कार्बन एमिशन होता है उसमें वाहनों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 25% है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने जोर देते हुए कहा है कि सभी देश नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट पर ध्यान दें, क्योंकि इससे प्रदूषण में कमी आती है और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल साइकिल है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एशिया में सिर्फ 17% देश ही ऐसे हैं जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर प्रभारी तौर पर काम करते हैं, उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। भारत में तो ये स्थिति और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि भारत में साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए कोई भी मजबूत योजना नहीं बनाई गई है और भारत में साइकिलिंग के फायदों को लेकर कोई गंभीर रिसर्च भी कभी नहीं हुई। भारत में साइकिलिंग को एक अच्छी आदत नहीं बल्कि मजबूरी के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन हमें लगता है कि रोजाना 20 मिनट साइकिल चलाकर आप अपनी सेहत को नई रफ्तार दे सकते हैं और ज्यादा सेहतमंद जीवन भी जी सकते हैं। थोड़ा सेफ्टी है सर, सेफ्टी हमारे यहाँ थोड़ा दिल्ली में इशू है, थोड़ा क्या बहुत है कम्यूटर्स के लिए, तो क्योंकि उनका रात का टाइम थोड़ा रिस्की हो जाता है। सुबह चलो वो पहुँच जाएंगे, मगर रात को जब आ रहे हैं तो पीछे से या साइड से कोई मार जाए कुछ नहीं पता। कम्यूटर्स थोड़ा डरते हैं इस बात से, हिचकते हैं। और साइकिल के फायदे सिर्फ आपके दिल की सेहत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साइकिल पर्यावरण की सेहत को सुधारने में भी बहुत मदद करती है। ब्रिटेन की एक स्टडी के बारे में आपको बताते हैं। ब्रिटेन ने एक स्टडी की जिसके हिसाब से 20 वर्षों में ब्रिटेन 1 लाख से ज्यादा
पैसे बचाने वाला है साइकिल चलाने की वजह से। डेनमार्क की तर्ज पर साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए तो ब्रिटेन अगले 20 सालों में 17 बिलियन पाउंड बचा सकता है। जी हाँ, इसी तरह साइकिल वाहनों के मुकाबले सिर्फ एक तिहाई जगह घेरती है और साइकिलिंग को बढ़ावा देकर ट्रैफिक जैम की जो लगातार समस्या से तमाम देश जूझ रहे हैं उसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। साइकिलिंग को बढ़ावा देकर सड़क दुर्घटनाओं में 30% की कमी लाई जा सकती है। साइकिल की जो पार्किंग होती है, पार्किंग की समस्या हिंदुस्तान में शायद ही कोई हो जो इस समस्या से दो चार ना होता हो, उस समस्या को भी नियंत्रण में लाया जा सकता है क्योंकि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार्किंग की बजाय दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होगा अगर आप साइकिल चलाएंगे। ब्रिटेन में हुई स्टडी में दावा किया गया है कि अगर सिर्फ 10% लोग भी कार छोड़कर साइकिल चलाने लगे तो वायु प्रदूषण में भारी कमी आ जाएगी। आपको यह जानकर अफसोस होगा कि साइकिल फ्रेंडली माने जाने वाले दुनिया के टॉप 20 शहरों में भारत तो क्या एशिया का भी एक शहर नहीं आता। जी हाँ, साइकिल फ्रेंडली शहरों की लिस्ट तैयार करने वाले कॉपेनहेगन इंडेक्स के मुताबिक पहले नंबर पर जाहिर तौर पर कॉपेनहेगन है जैसा हमने आपको बताया, जबकि दूसरे नंबर पर नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है। 1954 में भारत के 57% लोग यातायात के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते थे, ये हम आपको 1954 के आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन किस कदर इन आंकड़ों में कमी आई वो आप देखिए। 2014 तक आते आते ये संख्या घटकर सिर्फ 6-8% लोगों तक ही बची, 54 से सीधे हम 6-8 पर आ गए। आप कह सकते हैं कि भारत को अगर एक सेहतमंद देश बनना है तो भारत के लोगों को कार से उतरकर साइकिल चलानी होगी, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में भी भारत की हालत बेहद नाजुक है। इस इंडेक्स में इसके आंकड़े भी आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, 188 देशों में से 143वें नंबर पर भारत है। भारत की रैंकिंग युद्ध से परेशान इराक और सीरिया से भी ज्यादा खराब है। ऐसे में साइकिलिंग एक्सरसाइज के तौर पर करनी चाहिए, सुबह की सैर और अच्छे खानपान की आदत, ये तमाम वो चीजें हैं जो भारत के भविष्य को संवार सकती हैं, क्योंकि एक बीमार देश कभी भी दुनिया की सुपर पावर तो नहीं बन सकता। भारत में साइकिल के भूत भविष्य और वर्तमान पर पवन नारा जी मीडिया संवाददाता ने एक रिपोर्ट फाइल की है, आपको वो दिखाते हैं। कोई आपसे अगर पूछे कि इंसान का दिल कैसा होता है तो आपके दिल में शायद ये तस्वीर आए कि इंसान का दिल ऐसा होता है, लेकिन असल में इंसान का दिल ऐसा होता है क्योंकि दिल पेचीदा है। लेकिन इस पेचीदा दिल को बेहतर रखने के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक साइकिल आपके दिल का ख्याल बेहतरी से रख सकती है। आखिर कैसे, आइए इस रिपोर्ट में दिखा दें। आपकी साइकिल आपका आज और आपका कल दोनों बेहतर बना सकती है। कुछ नए रिसर्च के मुताबिक दिन भर में सिर्फ 20 मिनट साइकिल चला लेने से दिल की बीमारियों का खतरा 50% तक कम हो जाता है। इतना ही नहीं, डेनमार्क में एक और स्टडी के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 90 मिनट साइकिलिंग करने से भी दिल की बीमारियों का खतरा 24% कम हो जाता है। यह स्टडी 45,000 लोगों पर 20 वर्षों तक की गई और नतीजों को देखकर कहा जा सकता है कि ये साइकिल सिर्फ वाहन नहीं बल्कि संजीवनी है। भारत में जैसे जैसे लोगों की आर्थिक हालत बेहतर होती जा रही है, लोग कार जैसे वाहनों का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि सड़कों पर ना तो वाहनों के लिए जगह बची है और ना प्रदूषण से बचने का कोई तरीका। असुरक्षित तरीके से चलने वाले वाहन, खराब सड़कें और साइकिलिस्ट के लिए सुरक्षा उपकरणों और जानकारी का अभाव भारत में साइकिलिंग को धीमी मौत दे रहा है। भारत के लोगों की सेहत पंचर हो रही है, लेकिन लोग साइकिल नहीं चलाना चाहते, जबकि यूपी जैसे राज्यों के कई शहरों में अलग अलग साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं, लेकिन इन ट्रैक्स का इस्तेमाल कार पार्किंग, पान बीड़ी के खोके, रेहड़ी पटरियां लगाने के लिए हो रहा है। अरे ऑटो वाले भाई साहब, ये साइकिल ट्रैक पे आपने ऑटो क्यों खड़ा कर रखा है? तो ऐसे हालात में हमें साइकिल उठानी पड़ेगी और फिर हमें अपने आगे का सफर तय करना होगा। अब
अदना सी साइकिल है, सफर करने निकले हैं और सामने विशाल का ये ट्रक खड़ा है। इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? ये साइकिल ट्रैक के लिए है। ये तो साइकिल ट्रैक के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? दुकान लगी हुई है यहाँ सब, दुकान लगी हुई है। यानी भारत में साइकिलें भले ही ट्यूबलेस टायर वाली हो गई हूँ, लेकिन साइकिलिंग का भविष्य और वर्तमान होपलेस है। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली।